आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए नव वर्ष में चलेगा अभियान। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अध्यक्ष मास्टर रामपाल आर्य ने दी जानकारी। आर्य समाजी नेता स्वर्गीय बलदेव की याद में 27 जनवरी को होगा आर्य महासम्मेलन। सभा अध्यक्ष ने धर्म के नाम पर पाकट रचने वालों पर साधा निशाना। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने पूरे हरियाणा में जब से ये 2016 में हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसी दिन एक शपथ ली थी कि हरियाणा के अंदर वेदों का जो प्रचार है, अभियान है, वो कुछ शीतलहा पड़ रहा है, उसको हमने जोरों पर आगे बढ़ाना है। और उसके लिए हमने 14 वेद प्रचार रथों का प्रबंध कर दिया है। जिस वेद प्रचार रथ के अंदर मंच का भी प्रबंध है, माइक भी और लाइट का भी प्रबंध है, उसमें एक हम भजनोपदेशक रखते हैं, एक उपदेशक रखते हैं। वो प्रत्येक गांव के अंदर जाता है, रात को तो गांव के अंदर प्रोग्राम करता है, दिन में रोज़ के 2 स्कूलों को करता है। तो इस तरह से हमने इस अभियान को 3-4 महीने से युद्ध स्तर पर हमने लागू किया है। हमारा ये लक्ष्य है कि हमें अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ेंगे जिसमें आर्य समाज का प्रचार और प्रसार ना हो, वेदों का प्रचार और प्रसार ना हो। हमने बनते ही एक बड़ा सम्मेलन करके एक नारा दिया था, आओ वेदों की ओर लौटो अभियान को आगे बढ़ाएं, और उसमें हम बहुत हद तक, काफ़ी हद तक उसमें हमें सफलता मिल रही है। और हमारे जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे कोषाध्यक्ष बहन जी हैं, चाहे ये प्रस्तोता जी हैं, श्रमित्र जी, चाहे वेद प्रचार अधिष्ठाता हैं, चाहे जिलों के प्रधान हैं, सुभाष जी हैं, हमारे ये श्री ओम जी बैठे हैं, इसके अंतरंग के सदस्य और जितने भी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे हैं, आप देख रहे हैं, ये दिन रात करके वेदों के प्रचार अभियान में अब जुटे हुए हैं। क्योंकि अब पिछले कई काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि जो लोग अपने आप को भगवान कहते थे, अपने आप को खुद परमात्मा मानने लग गए थे, परमात्मा कहकर पूजा करवानी शुरू कर दी थी, पाखंड का बोलबाला जो उन्होंने चला दिया था, उनका पर्दाफाश होता जा रहा है। और बारी बारी देख रहे हैं वे जो उनका स्थान था जेलों के अंदर, चाहे वो राम रहीम, चाहे रामपाल दास, चाहे बाबू आसाराम और भी जिसने भी पाखंडियों ने जिसको छेड़ते हैं, उसके अंदर निर्विकार मिलते हैं। केवल और केवल एक समाज बचा है, आर्य समाज। राम रहीम वाले मामले पे तो 11 को फिर एक फैसला आ रहा है। हाँ, तो केवल छत्रपति वाले केवल और केवल एक आर्य समाज बचा है जो सत्य की मार्ग की राह दिखाता है, सत्य के मार्ग पर चलने की बात कहता है, कभी पाखंड की बात नहीं करता, बहकाता नहीं किसी को, और ये कहता है कि परमात्मा एक है और उसके ऊपर ही विश्वास करो। परमात्मा किसी के दिखाने से नहीं, परमात्मा स्वयं आत्मा का मेल मिलाने से और आत्म चिंतन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति स्वयं कर सकता आदमी। ये नहीं कि भाई कोई संत या दूसरा आदमी किसी को परमात्मा को दिखा दे, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो उसको दिखा कैसे सके है। तो ये सब मतलब एक पाखंड उन्होंने चला रखा था जिसका पर्दाफाश हो गया है। अब आर्य समाज को हमें कम से कम हरियाणा के अंदर ये प्रण ले रहे हैं, एक हमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि इसको एक साल हमारा बचा है, इसके अंदर बहुत इसके अंदर जागृति लाएंगे और आर्य समाज को आगे बढ़ाएंगे, वेदों के प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। बाबा रामदेव जी भी आ रहे हैं। दानंद मठ रोहतक में आर्यों का महाकुंभ होगा। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के तत्वावधान में पूरे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से
एक सम्मेलन बुलाया गया है आचार्य बलदेव जी की स्मृति दिवस पर, और उसमें ओडल से लेकर और कालका तक, डबवाली से लेकर उधर नारनौल तक सभी आर्य समाजों से, सभी आर्य शिक्षण संस्थाओं से प्रतिनिधि पहुंचेंगे। भारी संख्या में, लगभग 20,000 की संख्या में लोग यहां पर पधारेंगे। इस सम्मेलन में हमने दो गवर्नर जो के आर्य समाज के परिवेश से निकले हुए हैं, आचार्य वेदवर जी, देवर जी, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, और दूसरे हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और उसके बाद हमने स्थानीय मंत्री जो दरोवर साहब हैं वो भी हमारे बीच में पधारेंगे। कृष्णा गहलावत जी जो हैं वो भी हमारे बीच में पधारेंगी, जो पूर्व मंत्री रही हैं, और राजेश जैन जो एलपीएस वाले वो भी हमारे बीच में आएंगे। प्रमुख व्यक्तियों में ये हैं, और साधु संतों के अंदर, उसके अंदर स्वामी देवर जी जो संचालक हैं आर्यवीर दल के सार्वदेशिक के, और स्वामी विदेह योगी जी, धर्ममुनि जी, हमारे सब आगे संरक्षक के स्वामी धर्मदेव जी, और अनेक साधु संत यहाँ इस सम्मेलन में पधारेंगे। इसके अलावा MDH के चेयरमैन महाशय धर्मपाल जी भी उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा हमारे जो सार्वदेशिक सभा है उसके प्रधान सुरेश चंद्र जी और उसके मंत्री प्रकाश आर्य जी, और दिल्ली प्रदेश के जो ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन के संयोजक भी थे प्रधान धर्मपाल आर्य जी, मंत्री विनय आर्य जी, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुदर्शन जी शर्मा, वे मंत्री श्री प्रेम भारद्वाज जी, ये भी उसमें पहुंचेंगे। इस सम्मेलन के अंदर हमने दो व्यक्तियों को, एक सन्यासी को और एक विद्वान को सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिसमें स्वामी देवर जी जो सार्वदेशिक के आर्यवीर दल के संचालक हैं उनको, और विद्वानों में जो हमारे आचार्य बलदेव जी के परम शिष्य रहे और प्रथम पंक्ति में जब वो उस गुरुकुल कालवा में पढ़े, आचार्य आर्य नरेश जी, इनको हमें आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से सम्मानित करेंगे। सन्यासियों में क्या नाम बताएं? सन्यासियों में स्वामी देवर जी संचालक सार्वदेशिक आर्य वीर दल। इसके अलावा हमारे सम्मेलन के अंदर जो स्वामी दयानंद की उत्तराधिकारिणी सभा है, उसे बोलते हैं परोपकारिणी सभा अजमेर, यदि स्वामी दयानंद के किसी साहित्य में या और किसी उसमें परिवर्तन करना है तो केवल उस सभा को अधिकार है, तो उसके जो नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर वेदपाल जी आर्य, मंत्री श्री कन्हैयालाल जी आर्य,